हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। मतलब ऐसे रोग जो यौन संबंध या शारीरिक संबंध बनाने के कारण या लैंगिक संबंध बनाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग। अब इसमें देखो, इस रोग की संभावना तब ज़्यादा हो जाती है जब किसी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है और वो किसी और से सेक्सुअली वो संबंध बनाता है या शारीरिक संबंध बनाता है, तब इस रोग के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और मतलब अगर वो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा व्यक्तियों से संबंध रखता है तब ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। ये देखो, गुदा, योनि या मुख मैथुन के द्वारा भी ये रोग फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जननांगों में ही फैलता है, ये मुंह में हमारे इधर जो हमारी ये ग्रसनी होती है यहाँ भी ये रोग फैल जाता है, इसका संक्रमण हो जाता है। ये जो रोग होता है यौन संचरित, वो वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और कुछ प्रोटोजोअन के संक्रमण से भी होता है। लेकिन माध्यम सबका वही रहता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अगर असुरक्षित यौन संबंध है, किसी तरह का उन्होंने प्रिकॉशन नहीं ले रखा है, असुरक्षित यौन संबंध अगर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और उनको किसी तरह का ये रोग है, तो उनमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखो, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले यौन संचरित रोग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली मीटेड डिजीज। ठीक है, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? बैक्टीरिया से फैलने वाले, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। इसमें पहला है उपदंस, उपदंस या इसी को हम क्या बोलते हैं? सिफिलिस, सिफिलिस। ठीक है, अब देखो, ये जो सिफिलिस या उपदंस है ये भी किसकी वजह से होता है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण। तो ये जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसका सिम्टम्स क्या है? जननांगों के आसपास, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जननांगों के आसपास घाव बन जाता है। और जब इसका संक्रमण होता है ना, तो संक्रमण होते समय इसमें जो घाव बनने की जगह है वहाँ पहले बैगनी कलर के हल्के हल्के धब्बे बन जाते हैं और इचिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? घाव में परिवर्तित हो जाता है। वैसे तो जो ये रोग है ना, ये अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे ले लिया जाए तो ये 2 से 4 हफ्तों में सही हो जाता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा लापरवाही बरती जाए तो इसका संक्रमण ज़्यादा फैल जाता है और परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र को भी ये प्रभावित करता है। और यहाँ पे छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती है और बाद में इन्हीं गिल्टियों से रुधिर का स्राव होता है। इसके अलावा मतलब लकवा भी मारने के इसमें रिस्क रहता है और पागलपन तक की समस्या भी हो सकती है। किसकी वजह से? जो आपका उपदंस या सिफिलिस है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये भी जान लीजिए, ये होता है ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा पेलिडम, ट्रिपेनोमा पेलिडम। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, एक चीज़ इसमें और है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और गर्भधारण के समय में उसको ये संक्रमण हो रहा है, तो जो उसकी होने वाली संतान है उसमें भी इसके संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, तो इसके जो लक्षण है, लक्षण में क्या है? लक्षण क्या हो जाता है इसमें?
जननांगों के आसपास घाव या बैंगनी धब्बे का होना। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? रोग है तो जाहिर सी बात है इलाज भी है, पर अगर इन चीज़ों का सही टाइम पे इलाज किया जाए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसका इलाज क्या है, उपचार? इसमें दो दवाएं दी जाती हैं, एक है आपकी टेट्रा साइक्लिन और दूसरी है आपकी पेनिसिलिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन, इन दवाओं के यूज से ये जो घाव होता है जननांगों के आसपास ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बशर्ते अगर इनका टाइम पे इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, अगर सुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए तो इन रोगों के संक्रमण की संभावना 0 के बराबर रहती है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला पहला रोग हो गया उपदंश या सिफेलिस। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है गुनेरिया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो कर लेना। दूसरा कौन सा है, गुनेरिया। गोनेरिया, अब इसमें देखो गोनेरिया ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसमें बैक्टीरिया कौन सा होगा, ये होगा निसेरिया, निसेरिया गोनेरी, गोनेरी। ठीक है, ये भा इसका भी मीडियम क्या है, असुरक्षित यौन संबंध, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इसका संचरण होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये रोग के जो लक्षण होते हैं ज़्यादा वो विजिबल नहीं होते, इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते बाहर। इसमें जो जननांग है ना, जो नहीं जो मूत्र मार्ग है, मूत्र त्याग करते समय उसमें जलन का अनुभव होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष उसमें जलन का अनुभव होगा मूत्र मार्ग में। लेकिन पुरुषों में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है, उनके पेनिस से हल्के पीले रंग का या हरे रंग का द्रव भी स्रावित होने लगता है, और अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो इसका जो संक्रमण है पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि या उसके एपिडाइडमिस या अधिवृषण तक भी फैल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये रोग भी सही हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। तो जो इसका लक्षण है वो क्या होता है, लक्षण स्त्री या पुरुष के मूत्र त्याग करते समय जलन होना। ठीक है, इलाज क्या है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये संक्रमण जो है गोनेरिया का, ठीक है, मतलब निसेरिया गोनेरी का, इस बैक्टीरिया का संक्रमण पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्त्रियों में कम होता है। मैक्सिमम स्त्रियां इस रोग के वाहक का काम करती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा संक्रमण नहीं होता। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, क्या है इसका इलाज? तो इसमें पेनिसिलिन का यूज किया जाता है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो मतलब इसके इलाज में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है और थोड़े टाइम में ये रोग सही हो जाता है। अब तीसरा बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग कौन सा है,
वह है आपका क्लेमाइडी। कौन सा है? क्लेमाइडिया। ठीक है, तीसरा कौन सा है? मेन यही है, क्लेमाइडिया। ठीक है, अब ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है क्लेमाइडिया? ये क्लेमाइडिया होता है क्लेमाइडा ट्राइकोमेटिस। ये किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडिस ट्राइकोमेसिस, ट्राइकोमेटिस। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया भी क्या है? यौन संचरित रोग जो सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने से, मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब इसमें जो इसका संक्रमण है, इसमें भी क्या होता है कि जो मूत्र त्याग करते समय या मूत्र मार्ग से अन्य पदार्थ का जो श्रावण है उसका त्याग करते समय उसमें काफ़ी जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो पुरुषों में इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? यूरेथ्राइटिस और एपिडाइडमेटिस, और स्त्रियों में सर्विसाइटिस नाम से इस रोग को जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या हैं? मूत्र त्याग या अन्य तरल पदार्थ पदार्थ त्याग के समय जलन होना। ठीक है, और इसका भी उपचार क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन नामक दवा देने से इस रोग का भी इलाज हो जाता है और ये रोग भी ठीक हो जाता है। हाँ, आपको थोड़ा क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कॉन्शियस रहना है कि अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आप में या किसी में दिख रहे हैं तो इसमें लापरवाही न करके तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इस रोग का इलाज तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। तो जब ये प्राथमिक स्टेज में रहता है तभी ये मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये सही हो जाता है। लेकिन अगर इसका संक्रमण बढ़ जाता है तो फिर मतलब अंदर के जो भी झरनांग हैं उसमें भी इसका संक्रमण हो जाता है और उसके बाद इसका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। जैसे जो वायरस से होने वाले रोग हैं, जैसे आपका एड्स हो गया, तो इसका इलाज मुश्किल है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी। लेकिन ये जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं इनका इलाज संभव है, और अगर टाइम पे इसका इलाज किया जाए तो ये रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक मतलब ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखते हैं इनका कारण क्या है और ये किस तरह के रोग हैं, ताकि हम इसका इलाज सही से करवा पाएँ। और ये 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का ये टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य का, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर क्लियर हैं तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।